बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन दिस इज योर बायोलॉजी टीचर। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इमी स्टार्स एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग गुड। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी हमने चैप्टर 4 आज शुरू करना है। फर्स्ट ईयर में हम रिड्यूस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर 4 है बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। हम बायो एनर्जेटिक्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और इसमें जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हैं तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, लेकिन आपके लेवल पे हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। हियर वी गो। बायोएनर्जेटिक्स को सबसे पहले आप डिफाइन करें। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, सो द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल सिस्टम सिर्फ राज यहाँ पर है एक लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर आप दो चीजों को स्टडी करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी में कैसे कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कैसे होती है, बॉन्ड एनर्जी को आप लाइट एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और दूसरी बात, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के कैसे रिलेटेड है, आप उन क्वांटिटी वाइज उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप उनकी क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि नाइन्थ में आपने एनर्जी बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस में, और इन दोनों चीजों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इनको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को इसमें स्टडी किया जाता है। हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करेंगे, तो हम रिड्यूस सिलेबस के तहत जो इसकी मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस ये हमारा पहला रिएक्शन है, अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी, देखें एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, इसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है इन विच एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दे आर ट्रांसफॉर्म, इनको चेंज किया जाता है इन टू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज। तो ये एक डेफिनेशन है, याद रखें ये फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बिल्कुल वही बात की गई है कि जो पुअर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि वाटर है, ये कंबाइन करते हैं इन टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है आपकी फोटोसिंथेसिस का। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी जरूरत पड़ती है, वो आती है सनलाइट, वो सनलाइट से आती है बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और उसको कैप्चर करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब ये जो पॉइंट है तीसरा, इसको जरा गौर से देखिएगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, दैट्स पॉइंट वन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मैंने चारों वो फैक्टर्स इकट्ठे लिख दिए हैं जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो कि सन से आ रही है, पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच ट्रैप द सनलाइट एंड दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड वाटर जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्ब बाय रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एटमोसफियर से लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं। हम यही डिस्कस करेंगे कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इसमें कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होती है। अगर आप जरा गौर से देखें इस केमिकल रिएक्शन को, जो कि जनरल रिएक्शन है, जनरल इक्वेशन है ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है का मतलब यह कि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, और ये प्रोसेस किधर हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है। ठीक है, और इसमें सनलाइट इस प्रोसेस को डिराइव कर रही है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें तो ग्लूकोज एज अ मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर जो है ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेन टारगेट नहीं होता, जो कि मेन एम नहीं होता उस केमिकल रिएक्शन का, बट स्टिल दे आर प्रोड्यूस्ड। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें आज हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ लाइट क्या है, यानी कि सनलाइट कैसे
सिग्निफिकेंट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो आप ये देखें कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी वो होती है जिसको अपनी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो फिर भी मूव कर सकती है। फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वेवलेंथ की लाइट मौजूद है, उन तमाम वेवलेंथ को आप ऑल टुगेदर एड अप करें तो उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑल द लाइट रेडिएशन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये चीज ये समझ लें आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, उसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हमें नजर आता है, जिनको हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं एक्सेट्रा, तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो डिटेक्टेबल रेंज है जिसको आप विजिबल लाइट कहते हैं वो बहुत छोटा सा है, और वो किस से किसके दरमियान है, 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर, यानी कि अगर वेवलेंथ लाइट की इसके दरमियान होगी तो वो लाइट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो लाइट हम देख सकते हैं। इससे छोटी होगी वो भी हम नहीं देख सकते, इससे बड़ी होगी तो वो भी हमें नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारी विजन की लिमिटेशन है। जो सनलाइट इसमें काम करती है वो भी हम ये देखते हैं कि कौन सी लाइट ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है इसमें। अब ये चीज़ आपके लिए मैंने यहाँ पर असेंबल की है। देखें, ये जो विजिबल रेंज है यानी कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो हम देख सकते हैं। विजिबल रेंज में आपने जो सेवन कलर्स आप पढ़े थे, इसमें वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, रेड एक्सेट्रा, ये जो है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी कि आप ये जो सेवन कलर्स ऑफ लाइट हैं वो यहाँ पर लाए करते हैं। और इनकी जो रेंज मैंने अभी आपको बताई वो है फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये एक एमसीक्यू बन सकता है, इसको जरा ध्यान से याद कीजिएगा। और अगर इस यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं, और अगर इससे ज़्यादा की बात करें तो इंफ्रारेड हैं, रेडार हैं, एफएम है, टीवी, शॉर्ट वेव्स, एएम, तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और यहाँ पर अगर आप जाएं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है अगर आप लेफ्ट पे जाएं तो। अब रोल ऑफ लाइट जो है इसको आप ये समझ लें कि जो लाइट तो सेवन कलर्स पर मुश्तमिल है लेकिन उस सारों की इफेक्टिवनेस एक जैसी नहीं है, यानी कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं तो दे आर नॉट इक्वली इफेक्टिव, यानी कि कुछ ज्यादा इफेक्टिव हैं और कुछ कम इफेक्टिव हैं। अब क्या चीज है जो कि उनकी इफेक्टिविटी को डिटरमिन करती है, और वो है उनका एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर एक वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा है, वो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है। और अगर एक वेवलेंथ की लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी इफेक्टिवनेस कम है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को कम इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, वेवलेंथ्स विच मीन्स कलर ऑफ विजिबल लाइट आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब, दे आर नॉट इक्वली एब्जॉर्ब, कुछ जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब होते हैं। Therefore, each wavelength has its own effectiveness for the process of photosynthesis. मैंने इसीलिए भी आपको ये कहा कि जो light की wavelengths हैं उनकी absorption different है। अगर absorption different है तो उनकी जो effectiveness है वो भी different होगी, हर एक की अपनी अपनी होगी। तो फिर action spectrum क्या है, ये क्या चीज़ है? Action spectrum is a graph, ये पहले clear कर लें, ये graph है which shows the effectiveness of different wavelengths of light for the process of photosynthesis is called action spectrum. Action spectrum basically a graph है जो ये show करता है कि कौन सी wavelength कितनी effective है। ठीक है, graph में आप ये देखते हैं ना कि क्या चीज़ कितनी ज़्यादा मुतासर करती है या कम मुतासर करती है, तो वो आपके सामने एक display आ जाता है। उसी तरीके से action spectrum में आप ये देख के बता सकते हैं कि light की कौन सी wavelength कितनी ज़्यादा effective है for the process of photosynthesis। और मैं फिर repeat कर रहा हूँ, जो वेवलेंथ लाइट की ज्यादा इफेक्टिव होगी उसकी एब्जॉर्प्शन भी उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम वो प्रोड्यूस करेगी। एनालिसिस ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट दैट द ब्लू, अब यहाँ पे और करें, ये मैंने ब्लू से बनाया है,
और ब्लू भी वेवलेंथ कौन सी वाली, 430 नैनोमीटर वाली, एंड रेड, तो देखें ये मैंने रेड से लिखा है, 670 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये जो दो वेवलेंथ हैं लाइट की, 430 नैनोमीटर एंड रेड कौन सा, 670 नैनोमीटर, ये मोस्ट इफेक्टिव हैं। अब इस बात का तो ये मतलब हुआ कि दीज आर द टू वेवलेंथ्स इन विच देर इज ह्यूज इफेक्टिवनेस, दे आर हाईली एब्जॉर्ब एंड दे इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। आपको ये ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम भी यहां पर नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये 430, ये रेंज है 430, इस रेंज के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम नजर आ रही है। लेकिन एक और पीक भी है, वो ये है, और ये है कितनी, 670, जो कि रेड की जोन में आता है। तो ये दो लाइट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है, इनकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इनका एक्शन स्पेक्ट्रम भी हाईएस्ट है। यू कैन सी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ह्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू वेवलेंथ्स। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर अगर हम एक प्लांट को रेड लाइट दें और ब्लू लाइट दें तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी? तो यस, बिल्कुल ऐसा ही है। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लाइट्स रेड एंड ब्लू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम बिकॉज दे आर हाईली इफेक्टिव, दे आर हाईली एब्जॉर्ब एंड दे शो मैक्सिमम एक्शन स्पेक्ट्रम। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर, इन दिस वी कवर्ड अबाउट द रोल ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। Do subscribe to our channel and recommend it with your friends. I will see you next time. Till then, take care and Allah Hafiz.